नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान है उसकी क्विज 31 जुलाई से 2021 से 6 अगस्त 2021 उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम सतह के अंदर आवेश और विद्युत फ्लक्स के बीच की संबंध की व्याख्या करता है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, गाउस का नियम, कुलाम का नियम, फेराडे का नियम और पास्कल का नियम। हम आपको बता दें कि जो गाउस का नियम है वो हमें यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। तो गाउस का नियम लागू ही बंद पृष्ठ के लिए होता है और जो कुल आवेश उसमें आते हैं वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होते हैं। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सा नियम सतह के अंदर आवेश, तो ये जो समेशन क्यू है वो सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश को बताता है। और जो ये नियम है गाउस का नियम वो फाई और बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को बताता है। तो फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। तो यो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा गाउस का नियम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अभी हमने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो भी सुन लीजिए। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है ई इंटू एस, तो फाई का वही मात्रक होगा जो ई इंटू एस का मात्रक होगा। तो E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसके दो तरीके से हम मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। आप यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के मात्रक के अंदर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन वोल्ट इंटू मीटर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट इंटू सेकेंड, तीसरा वोल्ट इंटू कूलाम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे को ऑप्शन के अंदर वोल्ट में इसका मात्रक दे रखा है, तो फाई का मात्रक हमारे को वोल्ट में लाना है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। देन यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर पुट करेंगे ताकि ऑप्शन में उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लेंगे, एस यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। तो इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक का जो सॉल्यूशन है पहला ऑप्शन आएगा वोल्ट इनटू मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आवेश को बंद सतह के अंदर रखा जाता है तो उस आवेश के कारण सतह के अंदर फ्लक्स होगा। गाउस का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए, गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है और हमें ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। देन हमारे को पूछा है कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ की सतह के बाहर उपस्थित है तो बंद पृष्ठ वाली जो सतह है उसके अंदर का फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो गाउस का नियम है वो बंद सतह के लिए लागू होता है और जो कुल आवेश जो समेशन क्यू होता है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होता है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि जो कुल आवेश है वो बंद सतह के बाहर रखा है, तो आवेश यदि बाहर रख दिया जाता है तो जो गाउस का नियम है उसमें जो समेशन क्यू आता है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होता है। आवेश यदि बाहर रख दिया तो समेशन क्यू का मान 0 हो जाएगा। देन यहाँ से फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर हम समेशन क्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अर्थात यदि बंद पृष्ठ के बाहर यदि आवेश रखा हुआ है तो बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान सदैव 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे को इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है, मतलब अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर अल्पांश का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है और फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा होता है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि अल्पांश का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो, देखिए
अल्पांश क्षेत्रफल दे रखा है और विद्युत क्षेत्र दे रखा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर देखो पुट किया है अल्पांश क्षेत्रफल व ई के मध्य का कोण 90 डिग्री। जब हम क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो क्षेत्रफल सदिश सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो अल्पांश क्षेत्र और ई के बीच का कोण तो 90 डिग्री होगा और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, देखो इधर मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा है अल्पांश क्षेत्रफल सदिश व ई के मध्य का कोण, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो क्षेत्रफल के लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र खुद ही क्षेत्रफल के लंबवत है, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। एक बार फिर से इसको समझें, अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण 90 डिग्री, देन यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल सदिश और ई इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाई बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है ई एस कोस जीरो, तो कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है एक, देन यहाँ पर फाई बराबर आ गया ई एस, और कोस का जो अधिकतम मान होता है वो एक ही होता है, तो जो फाई का मान आएगा वो अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा, सर्वाधिक आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, देखो पूछा है हमें अगर अल्पांश का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन होती है कि किसी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, तो लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा आवेश बट्टे में लंबाई, लैम्ब्डा का मात्रक वही होगा जो आवेश बट्टे में लंबाई का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, देन लैम्ब्डा का मात्रक वही होगा जो क्यू बट्टा एल अर्थात कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप गौर करके देखिए, कूलाम प्रति मीटर दे रखा है, कूलाम इंटू मीटर, मीटर प्रति कूलाम, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो आएगा कूलाम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवेश घनत्व एक राशि है, ऑप्शन हमें सदिश अदिश न सदिश व न अदिश और अदिश और सदिश दोनों दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो होगा अदिश राशि, क्योंकि आवेश घनत्व आवेश बट्टे में लंबाई होती है, तत्पश्चात आवेश घनत्व एक अदिश राशि होगी। फिर उसके पश्चात हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, कि प्रति एकांक लंबा प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आ जाएगा आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट आंसर होगा। फिर हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे पास में पूछा है कि आयतन आवेश घनत्व की विमा क्या होती है, तो आयतन आवेश घनत्व का जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, अर्थात रो बराबर आवेश बट्टे में आयतन होता है, रो की विमा वही होगी जो आवेश बट्टे में आयतन की विमा होगी, क्यू बट्टे में वी की विमा होगी, क्यू यहाँ पर आवेश है, तो आवेश की विमा कितनी हो जाएगी A1T1 हो जाएगी, आवेश की विमा होगी A1T1 और ये जो आयतन है इसकी विमा होगी L³, तो फाइनल इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, जब L³ ऊपर जाएगा तो L³ आ गई -3, A1T1 पहले से ही ऊपर पड़े हैं। अब ऑप्शन देखिए आप गौर करके कि A यहाँ पर A1 को A से ही लिखा है, A का मतलब है कि इसकी घात 1 है, तो पहले ऑप्शन में देखिए A^1, L^-3 और T^1, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट पार्ट होगा। तो ये थी आज की हमारी क्विज और इसका सॉल्यूशन हमने आप लोगों को बताया, आप लोगों को इसको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी यदि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल से व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर से आप डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके इस चैप्टर के इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप इनको समझ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।